हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिल्क पाउडर की बर्फी बनाकर दिखाने वाली हूँ और ये बहुत ही यमी बनती है और आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और 70 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। 100 ग्राम मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ता, आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है और 250 ml के करीब मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर घी डाल देंगे और इसे हम गर्म होने देंगे। जब घी पिघल जाए और हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें दूध डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे और इसे हम एक दो मिनट ऐसे ही चला लेंगे। अब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल लेंगे। हमें मिल्क पाउडर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और इसे हम इसी तरीके से चला देंगे। अब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे इस तरीके से चला देंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है। बाकी का बचा हुआ भी मिल्क पाउडर डाल देंगे और कंटिन्यूसली हमें इसे चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसे हमें लगातार मिक्स करना है। चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ती है, थोड़ा सा पतला हो जाएगा बैटर और हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है, इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। मुझे इसे पकाने में 10 से 12 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुकी है। हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है। गैस हम बंद कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ली है और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है। आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं पर उसे ग्रीस जरूर करें। अब हम मिक्सचर को बेकिंग ट्रे में डाल लेंगे। मिक्सचर काफ़ी गर्म है, थोड़ा ध्यान से डालें। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। बर्फी के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने से उसकी लुक बढ़ जाती है। यहाँ पे थोड़े से बादाम और पिस्ता लिया है। और इसे हम स्पैचुला से दबा देंगे। जब बर्फी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तब हम इसे एक दो घंटे के लिए फ्रिज में लगा देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इसे 2 घंटे फ्रिज में लगाया था और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। और बटर पेपर लगाने से बर्फी इजीली बाहर आ जाती है, इसलिए मैं हमेशा बटर पेपर जरूर लगाती हूँ। अब हम इसे शार्प नाइफ से काट लेंगे। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस में काट सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और मुँह में जाते ही घुल जाएगी। ये बहुत ही यमी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।